हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो आ रहा है और मेरे पास जो बंडल है दो प्रोडक्ट्स के, ये सुपर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है क्योंकि दीज आर सम ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंप्यूटर एक्सेसरीज। और आप सोचोगे कि क्यों ये फेवरेट है, देन यू विल डेफिनेटली नो इट इन दिस वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लॉजिटेक की तरफ से MX कीज सीरीज के दो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, और ये मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं, अगर आप मेरे Amazon लाइव के एवरी वीक जो लाइव सेशन आते हैं उसको देखते हो या फिर हमारे पुराने कोई भी वीडियोज़ देखोगे तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा एक स्पेसिफिक बड़ा सा माउस जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और ये उसी माउस का एक सक्सेसर है या फिर छोटा सा अपग्रेड है, और ये है MX Master 3S। और यहाँ पर मेरे सामने है Logitech का ही MX कीज कीबोर्ड। चलिए पहले तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूँ एक ऐसी पैकेजिंग। अब काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि ये बहुत ही रॉ टाइप की पैकेजिंग है, मतलब, बट इट्स एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और यहाँ पर हम बहुत बार ध्यान में रखते हैं कि जब भी हम नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कलरफुल स्टाइलिश बॉक्सेस आते हैं जिन्हें अल्टीमेटली हम फेंक देते हैं। एनीवे, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड टॉक अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। लेट मी डू द अनबॉक्सिंग एंड टेक ए लुक एट दीज पैकेजेस। अभी जैसे ही हम इस बॉक्सेस की तरफ देखते हैं, यहाँ पर MX कीज के बॉक्स के अंदर हमें टाइप सी केबल मिल जाता है जिससे हम इस कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे सामने है ये फुल फ्लेश कीबोर्ड जो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल और एक प्रोफेशनल कीबोर्ड लगता है। ऊपर से जो कलर है उसके कारण कोई डस्ट वश गिर भी गया तो वो दिखेगा नहीं। और इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, ये कीबोर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ आता है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके अंदर हर कीज़ के अंदर एक ग्रूव हमें देखने मिलता है जिससे आपके उंगलियाँ उसके ऊपर आराम से सेट हो जाएंगे और आप कीबोर्ड के ऊपर आराम से पंच भी कर पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट द फीचर। सबसे पहला मुझे जो इंटरेस्टिंग फीचर लगा वो है यहाँ पर स्मार्ट बैकलाइट का ऑप्शन, जो यहाँ पर एक ऑप्शन है उससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली ये कीबोर्ड डिटेक्ट करता है रूम की लाइटिंग, अगर रूम में लाइट कम है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर बैकलाइट शुरू हो जाएगी, बट देन अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो इन दोनों ऑप्शन के थ्रू। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर जिसका नाम है Logitech की तरफ से ऑप्शन प्लस, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस प्लस ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा वो था म्यूट एंड अनम्यूट का बटन, जो यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब नॉर्मली म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक कंट्रोल करने का तो ऑप्शन रहता है ये कीबोर्ड के अंदर, लेकिन म्यूट अनम्यूट हमारे इस पोस्ट कोविड एनवायरमेंट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक जूम कॉल आंसर कर रहे हो, गूगल मीट में आंसर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सडनली आपको कुछ बात किसी से बात करनी है और म्यूट करना है, तो डायरेक्टली कीबोर्ड के अंदर म्यूट दबा दो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द एप्लीकेशन गोइंग एंड सर्चिंग फॉर द म्यूट बटन। वेरी सिंपल बट इंटरेस्टिंग ऑप्शन। और इसके बाद टॉप राइट में आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है जिसके बेसिस के ऊपर अगर आपकी कीबोर्ड के अंदर 10% से नीचे बैटरी आ जाती है तो वहां पर आपको रेड ब्लिंकिंग लाइट मिल जाती है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द इजी स्विच ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शंस डेडिकेटेड मिल जाते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप तीन अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपने केस में मैकबुक एयर, मैक मिनी और अपने आईपैड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट एक्शंस की। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर इनके Logitech के ऑप्शंस प्लस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है, जहां पर जो भी आपके रिपीटेड टास्क है उसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। बेसिकली हर दफा अगर आप आते हो अपने ऑफिस में और आपको चाहिए कि क्रोम ऐप आप खोलो, मतलब जो भी ब्राउजर है, और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट खोलो, तो यहाँ पर इसको कन्फिगर कर दो बाई डिफॉल्ट, और एक बटन जैसे आप इस लॉक बटन को दबाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जो कन्फिगर किया हुआ आपका जो भी ट्रिगर रहेगा वो यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। नंदलेस जो भी कहो, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस कीबोर्ड के ऊपर टाइप करने का, एंड मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने कोई और कीबोर्ड की यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आई एम मिसिंग समथिंग। इनफैक्ट काफ़ी कम मिस्टेक्स के साथ आई कैन से दैट दिस इज एक्चुअली गिविंग मी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माउस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दो माउसेस है, एक के अंदर लाइट आ रही है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस मैकबुक एयर, एंड दिस इज समथिंग विच हैव बीन यूजिंग फ्रॉम मोर देन ऑलमोस्ट 1 ईयर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसकी के अपग्रेड की, और ये है MX Master 3S। अब अगर हम देखते हैं इसके बॉक्स की तरफ तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर हमें इसका टाइप चार्जिंग केबल मिल जाता है और उसी के साथ साथ ये माउस मिल जाता है। अब दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड, जो आप 500-1000 रुपये का जो माउस खरीदते हैं वो टाइप का ये माउस नहीं है, ये बहुत ही एडवांस्ड माउस है जिसके अंदर आपको मल्टीपल बटन्स मिल जाते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ तीन बटन्स मिल जाते हैं। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 3 बटन्स। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप इस माउस को तीन कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्क्रोलिंग व्हील की बात करें तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बटन, आप आवाज सुन सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग बटन है, बट उसी के साथ साथ आपको कस्टमाइज करने के कीज़ मिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको
लेफ्ट के एक राइट क्लिक के अलावा अगर आप दूसरे बटन को कन्फिगर करना चाहो तो उसे भी कन्फिगर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट बहुत ही जरूरी तरीके से आप इसको यूज़ करते हो फुल डे एंड नाइट, देन यू कैन कन्फिगर दिस बटन फॉर कॉपी एंड पेस्टिंग। लेट्स से आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो वहाँ पर कुछ क्लिप्स आपको कॉपी करने होते हैं, कुछ पेस्ट करने, तो हर बार राइट क्लिक करो या फिर कंट्रोल सी कमेंड सी जो भी कंप्यूटर उसके हिसाब से सेलेक्ट करने के बदले में आप इन कीज़ को कन्फिगर कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर आपको एक स्क्रोलिंग का व्हील भी साइड में मिल जाता है, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल when you are browsing longer web pages, मतलब आप किसी चीज़ का रिव्यू पढ़ रहे हो किसी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स है जिसको पढ़ रहे हो, then you can always make use of this specific button जिससे आप उस वेब पेज को बहुत ही फास्ट तरीके से स्क्रोल डाउन भी कर सकते हो। तो ओवरऑल दिस इज अ सुपर गुड माउस एंड अगेन इट्स क्लियरली मेंशन MX Master 3S फॉर बिजनेस विच इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर इस माउस से आप अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। अगेन मैं आपको बताता हूँ मेरा प्रैक्टिकल यूज केस क्या होता है। जैसे मेरा मैकबुक एयर है वो मेरे डेस्क के ऊपर रहता है जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैक मिनी जो है उसी के साथ एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगा हुआ है, तो आई यूज ऑल दीज डिफरेंट कंप्यूटर्स बोथ ऑफ दीज कंप्यूटर्स प्लस माई आईपैड ऑल द थ्री कंप्यूटर्स एट वन गो, जहां पर ये सिंगल माउस सारे कंप्यूटर के थ्रू ये कंटिन्यूसली काम करते हैं। मतलब सीमलेसली मैं माउस को इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में जा रहा हूँ, उसमें से इसमें जा रहा हूँ। एंड अब आप सोचोगे कि भाई फिर सिंगल कीबोर्ड कैसे काम करता है, ये कर्सर जिस भी कंप्यूटर के ऊपर रहेगा वो कंप्यूटर हमारे लिए प्राइमरी कंप्यूटर बन जाएगा उस स्पेसिफिक सेकंड के लिए, और जो भी आप टाइप करोगे उस कंप्यूटर के अंदर वो इंसर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सीमलेस तरीके से आप एक माउस को मल्टीपल डिवाइस के लिए यूज कर सकते हो। अगेन दैट इज समथिंग विच इज व्हाट पीपल यूज फॉर बिजनेस, या फिर अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना फिर अगर आप चाहो बजटेड ऑप्शन दो, डेफिनेटली मैंने कुछ ऑप्शन सजेस्ट किए हैं डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, वहां जा रहा है उसको ढूंढ सकते हो। बट देन इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज वेरी प्रोफेशनल एंड गुड फॉर बिजनेस, देन ट्रस्ट मी Logitech की तरफ से जो ये MX कीज और ये जो MX Master 3S कीबोर्ड है वो डेफिनेटली समथिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।